एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होगा इस पे एंड ये है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, बट ये इनका मिनी वाला वर्जन है। नाउ ये फिट मी फाउंडेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था, बट उन्होंने इस तरीके का इसका छोटा सा वर्जन लॉन्च किया, वो कांच के बॉटल में मिलता था, एक्चुअली मेरे पास वो है भी। तो आई हैव गॉन थ्रू टू बॉटल्स ऑफ दिस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस फाउंडेशन इज इसके सारे के सारे शेड्स, नो मैटर वॉट शेड यू पिकअप, मैंने क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड से भी पूछा, दिस डज ऑक्सीडाइज, तो आप एक शेड ऊपर ही लेना आपके शेड से। तो ये इस तरीके के फर्स्ट पैकेजिंग में आता था। नो डाउट ये वाला पैकेजिंग आपको अब तक मिलेगा एंड यू कैन चूज अगर आपको बड़ा वाला लेना है या छोटा वाला लेना है। तो ये कांच के बॉटल में इस तरीके से आता था एंड बाकी सब कुछ सेम है। इट सेज इट्स नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट देन मेरा ड्राई स्किन है, एक्चुअली अभी कॉम्बिनेशन हो गया, बट इससे पहले जब काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन था तभी भी इतना ज़्यादा लाइक यू नो मैट नहीं था, इतना ज़्यादा लाइक इरिटेशन नहीं होता था एंड इतना ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता था मेरे ड्राई स्किन के लिए। सो ड्राई स्किन अगर आपकी है तो डेफिनेटली आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, जस्ट मिक्स एंड ऑयल, या फिर ऑयली मिक्स करना है तो थोड़ा हैवी मॉइस्चराइजेशन करना एंड यू विल बी गुड टू गो। तो ये वाला जो है आपको अगर बड़ा वाला ख़रीदना है तो ये 30 ml के बॉटल में आता है, क्वांटिटी आपको 30 ml मिलता है एंड छोटा वाला जो मिनी वाला इन्होंने लॉन्च किया है इसमें आपको 18 ml मिलता है ना। इसका MRP जो बड़े वाले का MRP मुझे याद नहीं है, बट देन ये हमेशा सेल प्राइस में ही आपको मिलेगा, ऑल द टाइम इस पर सेल चलता रहता है। नायका पे इतना ज़्यादा सेल नहीं चलेगा, बट देन अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप चेकआउट कर सकते हो। अभी ये वीडियो बनाने से थोड़ा टाइम पहले मैंने किया था, 355 rupees का ये फाउंडेशन मिल रहा था एंड 30 ml का क्वांटिटी है। एंड ये वाला जो फाउंडेशन है इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, ये 18 ml का है एंड ये 299 rupees का है, तो 300 rupees का है। तो यू कैन जस्ट डू द मैथ, अगर आपको 30 ml का लेना है या आपको 355 rupees या 400 rupees में आराम से मिल जाएगा। एंड 18 ml वाला जो ये वाला पैकेजिंग है ये आपको सेल प्राइस में फिलहाल तो मैंने जहाँ पे भी चेक किया नहीं मिल रहा, ये 300 rupees में ही मिल रहा है। तो इफ़ एट ऑल आप उस तरीके से देखते हो तो इसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, बट देन ट्रैवल फ्रेंडली ये ज़्यादा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट कि ये किस तरीके से दिखता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा। सो ये 11/12/2018 में बना था एंड 10/12/2021 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो 3 years का इसका शेल्फ लाइफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, क्वांटिटीज़ में कम मिलता है, प्राइस में इतना ज़्यादा अंतर है नहीं इसके, लाइक सेल प्राइस में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा अंतर है नहीं इसके, बट आई स्टिल फाइंड दिस वेरी हैंडी क्योंकि ये कहीं पर भी फिट हो जाता है। तो अब मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लगता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से ट्यूब फॉर्म में आपको जिस तरीके का ओपनिंग मिलता है सेम उसी तरीके का आपको ओपनिंग मिलता है। तो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, एक साइड में ब्रश से लगाऊंगी एंड एक साइड में ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डॉट इट ऑल ओवर माई फेस एंड इसे मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, सो आई नो कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। बाय द वे मैंने इससे पहले प्राइमर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक फेस ऑयल लगाया था, फेस सीरम लगाया था। ये साइड मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। बाय द वे ये वाले जो ब्यूटी ब्लेंडर्स है ये पैक ऑफ 6 के ब्यूटी ब्लेंडर्स है एंड ये मुझे मुझे फ्लिपकार्ट से मिला था फॉर 180 rupees एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर, आपको 6 मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा है ये। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, एज आई टोल्ड यू कि मैंने काफ़ी टाइम इसे यूज़ किया है। ये बिल्डेबल कवरेज देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करोगे तो इसका कवरेज थोड़ा सा मीडियम है, एक्चुअली मैंने बहुत कम लिया है तो इतना पता नहीं चल रहा है, तो आई विल बी टेकिंग अनदर कोट। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत इजीली ब्लेंड हो गया, अब मैं फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करूँगी एंड ये पूना स्टोर का फाउंडेशन ब्रश है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आपको कैमरा पे तो पता नहीं चलेगा, बट देन ब्रश से आपको कवरेज थोड़ा सा बेटर मिलेगा एंड ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा कम। तो मैं एक और इसका थोड़ा सा लाइक छोटा सा डॉलप लूँगी एंड आई विल बी अप्लाइंग अ लिटिल मोर, वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, बट एनीवे
मैंने इसे टोटली ब्लेंड कर लिया है एंड साथ ही साथ मैंने ब्लश लगाया है एंड थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है. तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है एंड साथ ही साथ मैंने ब्लश एंड हाइलाइटर भी लगाया है. विदाउट प्राइमर ये फाउंडेशन एटलीस्ट 7 आवर्स तक रहता है, विच इज़ अ प्रिटी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट प्राइमर. प्राइमर लगाओगे तो और ज़्यादा रहेगा. एंड जैसे कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, फिर भी मैंने इसे पाउडर सेटिंग या फिर कॉम्पैक्ट नहीं लगाया, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह जाता है. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है एंड अगर आप कॉम्पैक्ट लगाना भूल जाते हो एंड प्राइमर भी लगाना भूल जाते हो, तब भी ये एटलीस्ट 5-6 आवर्स तक आराम से रह जाएगा. तो ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफकोर्स इट्स मैट. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, डेफिनेटली आप खरीद सकते हो. एंड अगेन माई शेड इज 128 वॉर्म न्यूड. एंड वैसे तो ये अब तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बट अभी आधा घंटा जब हो जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा. तो दैट इज़ वन थिंग, तो वो ध्यान में रखना कि आपको एक शेड ऊपर लेना है. जितने भी सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने ये फाउंडेशन ऑलरेडी ट्राई कर लिया होगा. अगर आपके पास नहीं होगा तो आपने किसी फ्रेंड का ट्राई किया होगा या फिर आप अपने स्टोर में ट्राई किया होगा. एक्चुअली ये फाउंडेशन वर्थ बाइंग है. देर आर वेरी फ्यू फाउंडेशन जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये उनमें से एक है. एंड देन देयर्स बेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन. ये मेरे दो ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन है. तो डेफिनेटली आप ये डेफिनेटली खरीद सकते हो. छोटा वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैंडी भी है. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ. इफ यस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.